अलीना और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। रत्नागिरी पुलिस को मिली भारी सफलता। चिपलून के चोरों की टोली को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस के तफ्तीश में पता चला कि ये चोरों की टोली कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़ी डकैती को अंजाम दे चुकी है। साथ ही अब तक 13 घरों से लूटपाट की जानकारी पुलिस ने बताई है। पूना में कायदा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूना के भोसरी पुलिस ने चोरी हुई 32 भेड़ों की खोज की, मगर अदालत का आदेश आने तक पुलिस को ही भेड़ों की जवाबदारी सौंपी गई। मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करते समय गुटखा और पान खाकर थूकने की कोशिश पड़ी भारी। चलते लोकल ट्रेन से बाहर थूकने की कोशिश से दो युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह घटना मुंबई स्टैंडर्ड रोड रेलवे स्टेशन पर घटी। मृतक के नाम सरफराज और अमीन यह थे। खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।